हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। इसके पहले बच्चों एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो पहले देख लें, और चैप्टर पूरा 1 भी अपलोडेड है। सेकंड में ये लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर सेकंड में 5 एक्सरसाइज है टोटल, उनमें से लास्ट एक्सरसाइज है। तो लास्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 2.5, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। क्या है देखिए, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनका प्रोडक्ट बताना है। ये प्रोडक्ट दिए गए हैं, ठीक। अब इनका जो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट होगा, वो एक्सप्रेशन होगी। ये किसके प्रोडक्ट है? कोई पॉलिनोमियल है, उसी के प्रोडक्ट है। आप ऐसे भी बता सकते हैं कौन सा दो प्रोडक्ट किसमें होते हैं? अधिकतर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही होते हैं। तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके में फैक्टर दिए गए, उनका प्रोडक्ट बताना है। तो आप देखते हैं। हाँ, इसके पहले बच्चों बता दें, अगर आप लोगों ने इसकी आइडेंटिटी नहीं देखी है 2.5 की, तो उसे अवश्य देख लें। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पहले आइडेंटिटी देख लें। तो क्वेश्चन, अगर आइडेंटिटी नहीं याद है तो देख लें, अदरवाइज याद है तो कोई भाई बात ही नहीं। आप क्वेश्चन में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 10। मतलब ये किस टाइप की आइडेंटिटी है? इस टाइप की आइडेंटिटी हमने एक लिखाई थी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ध्यान से देखिए, बराबर होता है एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर इन दोनों का सम ए प्लस बी बाहर एक्स, फिर ए इंटू बी, इनका मल्टीप्लाई होता है, इसका प्लस होता है लास्ट में, तो ए बी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फट से। आइडेंटिटी का यूज करना है तो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में करते हैं इसको। यहां लिख लेते हैं यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो शो करना पड़ेगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? अभी जो लिखा है वही यहां किनारे से लिखे, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी, ये होगी आइडेंटिटी हमारी। एक बार देख लीजिएगा बस, ज्यादा फिर दिक्कत नहीं। आप पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू में लिखी हुई है, क्या लिखा? एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10, इनका मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा। और आइडेंटिटी का कहा गया इसलिए यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक, फिर इन दोनों को प्लस करना है, ए प्लस बी, तो ये हमारा ए है, ये है बी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14x आएगा। या आपको एक बार ऐसे प्लस करके लिख के दिखा सकते हो, प्लस 4 इंटू 10। आप देखिए जरा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14x और 10 4 40, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए। सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, इसमें भी यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे, x है तो x स्क्वायर लिख दिया, ठीक, प्लस, फिर क्या है, a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है हमारी यहां माइनस 10 है, तो माइनस 10 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस a, a हमारा ए बी है, क्या है ए बी, a की वैल्यू 8 है, b की है हमारी माइनस 10, ठीक, इतना समझ गए। अब इनको देखेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अब इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा,
और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 10 8 जाए 80। आप इसको जब खोलेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना आसान। ये आ गया तुम्हारा आंसर। एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बस, क्वेश्चन आपको आसानी से निकल आएगा इसी आइडेंटिटी का यूज करके। देखिए अगला क्या है, सबसे पहले इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो 3, अब इसमें 3 भी लगा है तो पूरे का स्क्वायर करके लिखेंगे। ये याद रखिएगा ये सेम होने चाहिए, ये जो वेरिएबल है ये सेम होना चाहिए और जो उसके साथ न्यूमेरिकल दिया कोफिशियंट वो भी सेम ही है। अब फिर क्या है, a प्लस बी, तो a की वैल्यू हमारी है 4, b की वैल्यू क्या है, यहां पर b की वैल्यू क्या है भाई, माइनस 5 है, ये चीज ध्यान रखना है। फिर क्या होता है x, अब x हमारा क्या है ना 3x है, तो 3x लिख दिया। अब खाली x होता है तो x लिखते हैं, लेकिन अब 3x है तो 3x लिखेंगे, ये चीज याद रखना, यहां जो होगा वही लिखा जाएगा। फिर प्लस ए बी, ए हमारा 4 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस 5। ठीक, यहां से पता लग जाता है कि ए पॉजिटिव है या निगेटिव, यहां से बी पॉजिटिव है कि निगेटिव मालूम चल जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोल दिए, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का एक्स स्क्वायर, अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 1 आएगा इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 4 5 20। अब अगर हम 3 1 3 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 3x प्लस माइनस 20 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चों, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट में आप बता देना। आगे देखिएगा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ध्यान दीजिएगा, ये सेम है और ये भी दोनों सेम है, मतलब किस टाइप की आइडेंटिटी है, पहले प्लस फिर माइनस, दोनों वैल्यू सेम है, ए सेम है और बी भी सेम है, साइन का फर्क है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक समझ गए, अब ये सेम होने चाहिए, पहला नंबर पहले से सेम हो, दूसरा दूसरे वाले से सेम हो, तो हमारी आइडेंटिटी ये काम कर जाएगी। तो आइडेंटिटी लिखना हो तो लिखेंगे यूजिंग ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसकी जगह इसको खोलेंगे, ए हमारा क्या है वाई स्क्वायर, बी हमारा क्या है 3/2, उसी तरह यहां लिख दिया। आगे हमें क्या लिखना है, ये जो नम यहाँ पे लिखा पहला वाला ये लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जो ये नंबर b की वैल्यू लिखी उसको लिख देंगे, साइन माइनस का ही रखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, 3/2 है तो 3/2 लिख के स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए पावर से पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 2 2 4, तो y की पावर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया अपना आंसर, है ना आसान। बस आइडेंटिटी याद हो, अगर नहीं याद है बच्चों तो आई बटन में उसका लिंक है, उसे देख के आप याद कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका, अब इसका देखते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का, और देख लो जस्ट दूर बड़ा है, 3 माइनस 2x, ध्यान दीजिएगा, अब है 3 माइनस 2x, फिर है 3 प्लस 2x। अब ध्यान दीजिए इसमें पहला पहला सेम है, दूसरा दूसरा सेम है,
सिर्फ साइन का फर्क है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा ये सेम है, पहला नंबर पहला सेम है, दूसरा दूसरे से सेम है, साइन अपोजिट है, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां लिख लेंगे यूजिंग ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पहले लिखो ए प्लस बी ए माइनस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब मल्टीप्लाई में हो जैसे टू वन जा टू या वन टू जा टू, टू ही आएगा। तो अब इसको हमें पहले तो नोट कर लेना है, थ्री माइनस टू एक्स फिर थ्री प्लस टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, जो दूसरा ये नंबर ही है एक तरह से। अब इसका स्क्वायर खोल देते हैं, थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री का स्क्वायर क्या होगा बच्चों नाइन होगा, और टू का स्क्वायर फोर, एक्स का एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों पांचों पार्ट कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर के, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया जरूर होगा। इसमें भी बच्चों लिख लेना यूजिंग जो आइडेंटिटी लगी यही वाली, जो पहले ये वाली यही लिख देना है। साइन याद रखिएगा, अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, बी निगेटिव है तो बी निगेटिव रखेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी, एक ही फार्मूले से आपको याद हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो माइनस प्लस वाली भी आइडेंटिटी बता देंगे, कमेंट में बताइएगा अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।